अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो गाइस, मैं आज इंटरव्यू लेने वाला हूँ एक नए राइडर का, एक और राइडर का। उससे पूछने कि वो भाई जो पांडा में जॉब करते हैं कितने बजे से कर रहा है, क्या कर रहा है, और हफ्ते का कितना बनाता है, दिन का कितना बनाता है और महीने का कितना बनाता है, और इससे उनको कोई गुजारा होता भी है, उनको कोई बेनिफिट पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। मैं भाई को बुला के ले आऊँ, बड़ी मिन्नत कर रही हूँ भाई से इंटरव्यू लेने के लिए। भाई बुला के ले आऊँ सांग भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई हैं हमारे, तो इनसे पूछते हैं कि ये फूड पांडा में काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं, और पर डे क्या कमाते हैं, और पर वीक यानी कि हफ्ते का क्या कमाते हैं, और पर मंथ क्या कमाते हैं, कोई बेनिफिट पड़ता है या नहीं पड़ता। भाई जी, आप ये बताएं कि आप कितने घंटे फूड पांडा को देते हैं। आठ घंटे देते हैं, माशाल्लाह 8 घंटे देते हैं। तो ये बताएं कि आप दिन में कितने कमा लेते हैं। 1000 से 1200 रुपये की दिहाड़ी बनता है। अच्छा, चाहिए 1000 से 1200 की दिहाड़ी बन जाती है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें आपको? आजकल गर्मी तो बहुत है। ये है कि अगर प्रोफेशनल राइडर है तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बल्कि कोई नया राइडर है तो उसके लिए थोड़ा पहले सीखना पड़ेगा, रूट समझना पड़ेगा। सही है, उस हिसाब से सही है माशाल्लाह। तो ये जो आप पांडे में करते हैं, इन ये आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं या कि नहीं देते हैं? बेनिफिट सर ये है कि मतलब ये नहीं, वर्किंग आवर्स में जो है ना, शाम 8 बजे से लेके फिर 11 बजे तक हमें जो है ना 25% एक्स्ट्रा देते हैं। सही है। तो मतलब ये है कि दिन में गर्मी होती है तो उस वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो ये है कि उससे कुछ राइडर का कहना है कि यार हम लोग अभी, मैंने थोड़ा सा हवाएँ हैं यानी कि उसमें जो बात चलती है ना वो दूसरों तक भी पहुंचती है। मेरे तक जो अभी एक न्यूज़ आई है वो कह रहे हैं कि पीर से यानी कि फूड पांडा राइडर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐसा सुना है हमने। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप बताएं कि ये इनका जाना सही है कि नहीं है। देखें सबका अपना, वो कह रहे हैं 35 रुपये, 30 रुपये, 29 रुपये। गाइस मैं आपको बता दूँ, 30 रुपये पर ऑर्डर दे रहे हैं पांडा, 30 रुपये। ये बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी वाली बात है। लेकिन भाई से सुन लेते हैं कि क्या बोलते हैं वो। देखें भाई, स्ट्राइक करना सबका राइट है, और जो रेट्स में कम मिल रहे हैं, ताकि पहले भी हमने स्ट्राइक करी थी उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो लड़के दोबारा स्ट्राइक का कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा फूड पांडा जो है ना, रेट का जो मसला है वो हमारा हल कर दे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप भी देख लें हमारी ये बातें सुन रहे हैं कि रेट्स की जो यानी कि पर ऑर्डर जो हमें मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। बाकी कंपनी से हमें कोई शिकायत नहीं है, रेट का थोड़ा मसला है और कोई मसला शायद नहीं, कंपनी हमें बहुत पसंद है। पर ऑर्डर जो इशू इनका होता है ना, पर ऑर्डर वो इनका इशू आ रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा ख्याल करें, ये दिन में गर्मी में, बिल्कुल गर्मी सख्त सर्दी में काम करते हैं, तो इनका ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, बाकी ये बताएं कि आप हफ्ते दिन का तो 1800 कमा लेते हैं आप, 800 से 1000 तक कमा लेते हैं, पहला बताया था। ये बताएं कि आप हफ्ते का कितना उठाते हैं यहाँ से? हफ्ते से सर ये होता है कि अगर छुट्टी कर लेते हैं तो 8 से 9 हज़ार रुपये बन जाते हैं। अगर उसके साथ हम बोनस वगैरह उठाते हैं या और अच्छा तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा वर्किंग आवर करते हैं, तो फिर ये है कि ये 10 से 12 हज़ार तक पहुँच जाती है। 10 से 12 हज़ार तक पहुँच जाती है, यानी कि अगर आपको वर्क, जैसा आप बोल रहे हैं कि मेहनत करने से, यानी कि जहाँ पे आप 9 घंटे कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप 10 से 12 घंटे करेंगे तब जाके आपको ये 10 से 12 हज़ार रुपये उठा सकते हैं आप। और मंथ क्या उठाते हैं आप? मंथ सर यही है कि अभी तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा था, अभी हमारे को सैलरी बेस पे ले आए हैं। सैलरी बेस पर आ गए हम। पहले हमारा ये है कि 40, 45, 50, 55 इस तरीके से हो जाता था, अभी 35, 40 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 35, 40 ये यानी कि पर मंथ की बात, यानी कि वो भाई कह रहा है कि 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी रेट्स भी कम हो गए हैं और बोनस भी कम दे रहे हैं, ये बहुत चीज़ें कम कर दी हैं। ये कह रहे हैं कि पांडा जो कंपनी है इनसे किसी को कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ शिकवा है तो सिर्फ और सिर्फ रेट से। तो सर आप ख्याल करें, फूड पांडा का आपके हीरोज़ हैं, दिन रात काम करते हैं, दूसरों तक खाना पहुँचाते हैं, आपकी भी खिदमत करते हैं, तो इनका थोड़ा ख्याल करें। और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाई, इन्होंने अपना मसला बताया मुझे और मैंने आप तक फॉरवर्ड किया। और इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।